अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक होंगे। आज हम जो बनाने जा रहे हैं वो है चिकन ब्रेड रोल। चलें स्टार्ट करते हैं। ईस्ट लूँगी मैं 1/2 टेबल स्पून और 1 कप मैंने मैदा लिया है। 2 टेबल स्पून मैंने ऑयल लिया है। 1/2 कप मैंने दूध लिया है और 1 अंडा यूज़ करूँगी। चलें स्टार्ट कर। अच्छा, मैंने एक बाउल में 1 कप मैदा लिया है। मैदा यूज़ करेंगे। ये 1 टीस्पून मैंने ईस्ट ली है। 2 टेबल स्पून में ऑयल यूज़ करूँगी। 3 टेबल स्पून है, 2 टेबल स्पून मैंने ऐड कर दिया है। थोड़ा सा इसको हम मिक्स करेंगे। उसके बाद अंडा में 1/2 यूज़ करूँगी। अंडे को भी मिक्स कर लेंगे हम। दूध मैंने 1/2 कप लिया है, लेकिन दूध हम इतना यूज़ करेंगे जितनी हमें ज़रूरत हो। आटा हमारा भुन गया है। अभी थोड़ा सा जो ऑयल बचा था उससे इसको थोड़ा सा इस्तेमाल कर लेंगे। ये हमारा हो गया है। अब मैं इसको कवर करके रख दूँगी 1 घंटे के लिए किसी गर्म जगह पे। ये देखिए व्यूअर्स, आटा मेरा हो गया है। अब मैं इसको किसी गर्म जगह पे रख दूँगी। मैं इसको ओवन में रख रही हूँ। ओवन मेरा बंद है। इसको मैं 1 घंटे के लिए ओवन के अंदर रख देती हूँ। तो मैंने ओवन में रख दिया है। अब हम अपनी फिलिंग तैयार करते हैं। चलें फिलिंग तैयार करेंगे। फिलिंग के लिए मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया है। इसमें मैं ऐड करूँगी थोड़ी सी अनियन। फोर टेबल स्पून के करीब अनियन को हल्का हल्का सॉटे कर लेंगे। अनियन को हमें ब्राउन नहीं करना, हल्का हल्का बस सॉटे करना है। उसके बाद मैंने ये 1 कप के करीब जो चिकन लिया इसको मैंने बॉईल कर लिया था। सॉल्ट के साथ पीस के बारीक बारीक करें, उसको अलग अलग कर लिया। इसको भी हल्के हाथ से इसके साथ मिक्स करेंगे। मसालों में मैं यूज़ कर रही हूँ, मैंने ये 1/2 टीस्पून ज़ीरा लिया है। 1/2 टीस्पून मैंने कुटी मिर्च ली है। 1/4 टीस्पून मैंने सॉल्ट लिया है, क्योंकि सॉल्ट मैंने इसके अंदर चिकन में ऐड कर दिया है। 1/4 टीस्पून मैंने काली मिर्च का पाउडर लिया है। और ये 1/4 टीस्पून मैंने चिकन क्यूब लिए है। इसको ऐड कर देंगे हम इसमें। पहले मैं अच्छी तरह चिकन को मिक्स कर लूँ। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ लहसुन बारीक कटा हुआ। अगर आप चाहें तो इसके अंदर लहसुन पीस के भी डाल सकते हैं, लहसुन का पेस्ट। ये हमारी गार्लिक चॉप की हुई दल गई है। उसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी ये मसाले। अगर आप ज़्यादा स्पाइस चाहते हैं तो आप ज़्यादा स्पाइस ऐड कर लें इसके अंदर। मैंने इसके अंदर चिकन की क्यूब यूज़ करी है। आप चाहें तो इसके अंदर चिकन का पाउडर भी डाल सकते हैं। और अनियन का पाउडर भी डाल सकते हैं। अब हम ये कैप्सिकम ऐड करेंगे इसके अंदर सारी। इसको भी अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह इसको मिक्स करेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून मैदा। मैदे को भी अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। मैदा हमारा मिक्स हो गया है। अब इसमें हम ऐड करेंगे 1/2 कप दूध। पूरा डाल लेती हूँ।
इसको भी अच्छी तरह मिक्स करेंगे। थोड़ा सा गाढ़ा गाढ़ा हो जाएगा ये हमारा। स्लो आंच पकाएंगे। मेरे पास चिल्ली सॉस नहीं है तो मैं थोड़ा सा इसमें केचप ऐड कर रही हूँ, जस्ट टेस्ट के लिए। अगर आपके पास चिल्ली सॉस है तो आप हाँ वो यूज़ कर सकते हैं। ये मेरा रेडी हो गया है, देखें आप देख सकते हैं ये गाढ़ा हो गया है। एक घंटा भी हो चुका है, अब मैं अपना जो हमने डो बनाया था उसको भी देखते हैं। ये हमारा रेडी हो गया है, चलें अब डो की तरफ चलते हैं। ये देखिए व्यूअर्स, ये मेरा आटा हो चुका है, कितना पफी पफी सा लग रहा है ये। अब इसको थोड़ा सा राइस कर देंगे हम इस तरह। इस आटे का स्प्रेड का हम मैं आपको बताते चलूँ, मैंने इसमें आपको चीनी का, शुगर का और सॉल्ट का मैं आपको बताना भूल गई थी, मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया था। इसमें मैंने 1/2 टेबल स्पून शुगर ऐड की थी और थोड़ा सा सॉल्ट ऐड किया था, वो नहीं बताया था, शुरू से बता देती हूँ मैं। मैंने 1 कप मैदा लिया था, 1 टीस्पून मैंने ईस्ट ली थी, 2 टेबल स्पून मैंने ऑयल लिया था, 1/2 टेबल स्पून मैंने शुगर ली थी, 1/2 मैंने अंडा लिया था और हसबे जायका मैंने सॉल्ट ली थी। सॉल्ट मैंने तकरीबन 1/2 टीस्पून ही ली थी। उन सबको अच्छी तरह मैंने आटे की तरह भून लिया था। ये मैंने 4 पीस में इसको कन्वर्ट कर रहे हैं। चले आप इसको स्टार्ट करते हैं। ये मैंने 6 पड़े बना लिए हैं 6। अब इसको थोड़ा सा मैदा लगा के मैं इसको बेलती हूँ ओवन शेल में। मैं आपको एक बेल के दिखाती हूँ। ये देखें ये मेरा हो गया है, अब मैं इसमें फिलिंग करूँगी। चलें, फिलिंग मैंने बना ली थी, मैंने आपको दिखाया था। अब इसमें हम ये थोड़ी थोड़ी करके ये ऐड करेंगे। चलें, एक साइड से हम इसको इस तरह मोड़ लेंगे और ये देखें दिखाती हूँ, दूसरी साइड से भी ऐसे मोड़ लेंगे। अब हम इसको इस तरीके से ऐसे रोल करते जाएंगे। ये देखें, ये मेरी एक रेडी हो गई है। इसी तरह से हम अपनी दूसरी भी लेंगे, इसी को भी आउट शेप में। मैं आपको बता दूं, एक मैंने ऐसी बनाई है, दूसरी मैं चीज़ वाली बनाऊंगी। ये थोड़ी सी मैंने मिक्सचर ऐड किया है, अब मैं इसमें थोड़ी सी चीज़ डालूंगी। आपको जितनी डालनी हो आप उतनी डाल सकते हैं। उसी तरह मैं इसको यहाँ से फोल्ड करूंगी और दूसरे साइड से भी फोल्ड करूंगी और बिल्कुल हल्के हाथ से इसको मैं, ये देखें इस तरीके से, ये देखें मैं आपको सब तरीके से सब साइड से दिखा दूं। सॉरी थोड़ा सा नहीं ऊपर हो गया, ये दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखें दूसरे साइड से भी ये हमारा चीज़ वाला भी रेडी है। अब इसी तरह मैं सारे 3 बगैर चीज़ के और 3 सादी बना के दिखाती हूँ।
अच्छा, एक जो मैं बनाऊंगी, मैं भी आपको दिखाती हूँ क्या करूँगी। ये मैं थोड़े थोड़े से इसमें कट डाल दूंगी, ज़्यादा भी नहीं, बस थोड़े थोड़े, ये थोड़ा सा खूबसूरत लगेगा। सिर्फ ये एक के साथ किया है हमने। ये देखें, उसी तरह एक साइड से, फिर ये दूसरे साइड से, और ये मैं थोड़ा सा घुमाऊंगी इसको, ये आप देखेंगे, ये इस तरह, ये देखेंगे इस तरह, जब ये हमारा बनेगा तो ये थोड़ा सा खुला नज़र आएगा आपको। अच्छा, इसको हम ऑयल से ग्रीस कर देंगे। इस पर मैं ऑयल लगा रही हूँ, ये बटर पेपर लगा दूँगी इस पर मैं। बटर पेपर मैंने लगा दिया है, अब इसके ऊपर भी मैं ऑयल लगा दूंगी अच्छी तरह से, ताकि जो हमारे ब्रेड रोल है वो चिपके नहीं। चले, ये भी हमारा ग्रीस हो गया अच्छी तरह से। देखिए, मैंने एक एक करके रख दिए हैं, जो दो छोटे थे वो मैंने साइड में रख दिए हैं क्योंकि इसमें स्पेस नहीं है। अभी बस मैंने ये 5 ही रखे हैं। चले, अब इसको हम अंडे से ग्रीस कर देते हैं। ये देखें आप, मैं आपको दिखाती हूँ सही से। अंडा जो मेरा बच गया था उससे मैं इनको ग्रीस कर रही हूँ। मेरे पास ये तिल हैं, तो मैं ये थोड़े थोड़े तिल इसके ऊपर रख देती हूँ। ये देखें व्यूअर्स, ये मैंने बस जस्ट अभी अभी इसको चूल्हे पतीले के अंदर रखा है 30 मिनट के लिए। 10 मिनट पहले मैंने इसको गर्म करने के लिए छोड़ दिया था, उसके बाद मेरे अब रेडी हो गई ये, तो अब मैं इसको आधे घंटे के लिए रख रही हूँ। अब आधे घंटे बाद मिलते हैं हम। देखिए व्यूअर्स, ये हमारे 30 मिनट हो चुके हैं, ये आप देख सकती हैं, ये हमारे रेडी हो गए हैं। मैं अभी आपको दिखाती हूँ। ये देखिए आप, ये कितने लाइट लाइट ब्राउन है, मैं निकालती हूँ इसको। ये देखें आप, अभी ये गर्म हो रहे हैं, थोड़े से ठंडे हो जाएँ, फिर मैं इसको बाहर निकालती हूँ। चलें, इसको पलटते हैं इसमें करके, ये बहुत गर्म है, मैं दूसरा कपड़ा भी ले लेती हूँ। इस तरह पलटेंगे, ये देखें आप, ये देख सकते हैं आप पीछे से कितना अच्छा कलर आया है इसका। ये देखें, गर्म है थोड़ा, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त लग रहे हैं ये आप देखें। चले, अच्छा अभी इसको हम डिश आउट करते हैं, दिखाती हूँ मैं आपको। इसको हम इस तरीके से रखते हैं, ये देखिए, ये देखिए जुड़ गए हैं ये। चले, एक मैं आपको काट के दिखाती हूँ। काट के दिखाती हूँ आपको, ये चीज़ वाला है, दिखाती हूँ आपको मैं, एक मिनट। ये देखें, ये चीज़ वाला है, ये आपको दिख रही है इसके अंदर ये चीज़, ये देखें ये चीज़ बहुत यम्मी लग रहा है। ये अभी थोड़ा गर्म है तो मैंने, तो मैं आपको चख के दिखाती, बहुत यम्मी बने हैं। आप इसको केचप के साथ, सॉस के साथ खा सकते हैं, ये आप देखें, ज़रूर ट्राई करिएगा आप लोग। अगर आपको
आपको मेरी चिकन ब्रेड रोल की रेसिपी पसंद आए तो ज़रूर ट्राई करिएगा। नेक्स्ट टाइम हम नई वीडियो के साथ आएंगे। मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ओके बाय, अल्लाह हाफिज़, पी एम आलिया।